मैडम। इतनी देर कहाँ मर गए थे मैडम के बच्चे? बैठो, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस बाहर बैठा हुआ। तो वो किधर है? कौन? वो हमारे टीचर से बॉस। अच्छा, हमारे पुराने साहब जी। वो हाँ। तो पिछले 3 घंटे से बाहर बैठे हैं, वेटिंग में आपकी। सच्ची? हाँ। बड़ा जॉब था सिंह, प्रमोशन के लिए क्या कर सकती हूँ, ये कर बैठा और अब करता रहे। देखा, ऐसे मारते हैं किसी की कुर्सी। मैंने पता उसे क्या कहा? मैंने कहा मैडम बहुत बिजी है, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में। अच्छा अच्छा छोड़ो, अब ज़्यादा फ्री मत हो। अच्छा ऐसा करो, अभी से ना कोई ना तकरीबन कोई 4-5 उसे ऐसे बिजी रखो, कभी करो ये कर रही है, कभी करो वो कर रही है, ऐवें ताकि उसे पता तो चले कोई नैले पे डैला भी आता है। ठीक है, और हाँ मेरे लिए चाय बनवाओ। आए आए सर जी, आए बैठे बैठे। और सर जी कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। क्या चाहिए? मैं वो सैलरी। अरे वाह, अब तुम सैलरियों पे आ गए हो, भूल गए हो ये तो ऑफिस ही तुम्हारा है। मैडम मैंने आपको कई दफ़ा कहा है कि मुझे अपने किए भी बहुत शर्मिंदगी है। तुम्हारे जैसे लोगों के साथ ना ऐसा ही होता है। अब पता चला, जब कोई लड़की शराफत का नकाब उतारती है तो क्या होता है? देखिए मैम जी, अल्लाह भी तो इंसान को माफ कर देते हैं। हाँ तो मैंने किया है माफ, इतनी तुम मेरी मेहरबानी गिनो कि मैंने तुम्हें यहाँ पे जॉब पर रख लिया है। तो क्या हुआ, किधर घूमो? नहीं मैडम कुछ नहीं। जरा नजदीक तो आओ। क्या हुआ, तुम तो घबरा रहे हो। अरे तुम वक्त भूल गए हो वो वाला। अच्छा तो बताओ आज मिले? मैडम आज वो मैंने अपनी मिसेज को हॉस्पिटल लेके जाने। तो तब मिसेज कहाँ थी? सैलरी यार, सैलरी सैलरी दे दूंगी, सैलरी खा थोड़ी जाऊंगी तुम्हारी सैलरी, तुम्हारे जैसी थोड़ी हूँ मैं। अच्छा बताओ 6 बजे या 5 बजे? मैम वो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि मेरी मिसेज की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा तो अब आपको अपनी मिसेज का ख्याल आ गया, ये ख्याल तब किधर था? एक दिन मैं भी यहीं पे बैठी हुई थी, तब मिसेज नहीं थी नजरों में, तब ख्याल नहीं था उसका। मैडम प्लीज मुझे सैलरी चाहिए। क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं मैडम। निकलो जाओ। मैडम वो सैलरी दे देती हूँ, जाओ। अब आया अपनी औकात पे, इसे कहते हैं अगले का बदला। इन जैसे लोग अपनी हैसियत ऐसे ही गवा देते हैं।